Hello friends, my name is Subrato and you are watching Information and Solution. Friends, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का विंडोज़ कभी ना कभी ख़राब हो ही जाता है, तब उसमें न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आज हम बताएंगे डेस्कटॉप या लैपटॉप फॉर्मेट करने के लिए कैसे हम इजीली बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से आपके पास विंडोज़ का सेटअप फाइल होना ज़रूरी है, जो मेरे पास है। अगर ये फाइल आपके पास नहीं है तो आपका किसी फ्रेंड से या इंटरनेट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए पहले जाना है कंप्यूटर में, और यहाँ पर जो पेन ड्राइव है इसको फर्स्ट फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट स्टार्ट, ओके, हो गया फॉर्मेट, क्लोज। अब स्टार्ट मेनू में जाना है और टाइप करना है CMD, एंटर। आप देखिए यहाँ पर जो कमेंट है, ये कमेंट एक एक करके एक के बाद एक यहाँ पर देना है। तो फर्स्ट कमेंट है डिस्कपार्ट, DISKPART, डिस्कपार्ट, हो गया डिस्कपार्ट। आप लिस्ट डिस्क, LISTDISK, एंटर। कंप्यूटर में जो जो डिस्क है वो दिखा रहा है। ये जो 465 GB है, ये मेरा 500 GB का हार्ड डिस्क है, और यहाँ पर जो 3781 MB है, ये 4 GB का पेन ड्राइव। तो हमको पेन ड्राइव को पोर्टेबल बनाना है, इसलिए पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। तो पेन ड्राइव है डिस्क 1, तो यहाँ पर हमको टाइप करना है सिलेक्ट डिस्क 1, SELECTDISK1, एंटर। सिलेक्ट हो गया, नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब इसको क्लीन करना है, CLEAN, एंटर, हो गया सक्सेस। अब टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ये कमेंट देना है यहाँ पर, CREATPARTITION, प्राइमरी, PRIMARY, एंटर, हो गया सक्सेस। अब सिलेक्ट पार्टीशन 1, SELECTPARTITION, सिलेक्ट पार्टीशन 1, स्पेस 1, एंटर, हो गया सिलेक्टेड। अब इसको एक्टिव करना है, एक्टिव, एंटर, हो गया एक्टिव। अब इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट का जो कमेंट यहाँ पर है, ये कमेंट इसको यहाँ पर देना है FORMATFS इक्वल फैट 32, क्विक देने से जल्दी हो जाएगा, QUICK, एंटर, हो गया सक्सेस। आप असाइन, ASSIGN, एंटर और एग्जिट, XIT, रेडी हो गया मेरा बूटेबल पेन ड्राइव। आप सिर्फ इसमें जो विंडोज का फाइल है उसको कॉपी करके यहाँ पर डालना है।
कॉपी कंप्लीट हो चुका है, मेरा मोटेबल पेन ड्राइव भी बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर विंडोज 7 का सेटअप फाइल कॉपी किया है, तो ये विंडोज 7 का मोटेबल पेन ड्राइव बना है। अगर इसमें विंडोज 8 का डालता तो ये विंडोज 8 का मोटेबल पेन ड्राइव बनता, अगर 10 का डालता तो 10 का होता। तो आपका जो भी मोटेबल पेन ड्राइव बनाना है उस विंडोज का फाइल इसमें डालने से वही विंडोज का बूटेबल पेन ड्राइव ये बन जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए कि आप जब बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर रहे हो तो वो विंडोज में या उस सिस्टम में वायरस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें वायरस रहेगा तो ये जो सेटअप फाइल है इसमें भी वायरस चलाएगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इससे जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करूंगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।